हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है टारगेट सेमेस्टर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है और एग्जाम काफ़ी पास है। तो अब जो है मैं आपको यहाँ पे कुछ आपको जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी। ये आपका सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। इसके पहले मैंने आपको केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा चुकी हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पे तो सिर्फ आपको एमसीक्यू हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको जो है एक बार डिटेल में देखना है और बहुत और भी सारे एक्स्ट्रा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमारे गुरुकुल ऐप पे जाइए, टारगेट गुरुकुल का ऐप है, वहाँ पे जाइए और साथ ही बैच को ज्वाइन करिए, जहाँ पे आप क्या कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर को गेन कर सकें। तो आइए आज हम चलते हैं आपके जो हमारा सेकेंड चैप्टर है बेटा केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, उसको देखते हैं। देखो ये अब पेपर तो बहुत ही आसान, जहाँ तक मुझे लग रहा है जो आप लोग का पेपर है ना, अगर एमसीक्यू बेस्ड आ रहा है और साथ ही साथ इतने आसान आसान चैप्टर हैं, सोचो आपका एक केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि आप बिल्कुल आप ट्वेल्थ से पढ़ के आए हो, बीएससी फर्स्ट ईयर है आपका, सेकेंड सेमेस्टर है, लेकिन आप जो है ट्वेल्थ पढ़ के आए हो, आप किसी भी बोर्ड से पढ़े हो, चाहे यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, आपके जो है ट्वेल्थ में ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट भी दिया है, प्रोटीन भी दिया है, इसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे वो भी दिया हुआ है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपका क्या है ये सब चीज़ें सब के सब तैयार हैं। यहाँ पे आप एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। और एक बात और, अब इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप जरूर से ही सारथी बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे क्या आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आइए हम चलते हैं आपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बेटा, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन हाईली स्टेबल, कौन सा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो हाईली स्टेबल होता है, बताओ जरा एक बार सोचो। कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, फिर क्वार्टनरी होता है। अब इन तीनों या इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्टेबल जो है, हाईली स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो आपको याद रखना होगा टर्शरी वाला। क्या होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो हाईली स्टेबल होता है। दूसरा है आपका, अच्छा देखिए एक मिनट और, हिंदी में अगर आपको देखना है कि प्रोटीन की कौन सी संरचना अत्यधिक स्थिर होती है तो आपको पता होना चाहिए तृतीयक, मतलब जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्या होता है, स्टेबल होता है। जैसे आप बहुत सारे बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे, उनको कोई दिक्कत ना हो इसलिए क्या करेंगे हम साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाते हुए चलेंगे। अब आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, ये तो बहुत ही बेसिक है यार, नाइन्थ टेंथ का बच्चा ये बता लेगा, आप तो फिर भी बीएससी में हो, फटाफट बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, कौन सा जो बेस है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, देखिए साइटोसिन, थायमिन और एडिनिन, ये सब के सब आपके डीएनए में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्वेश्चन है कि विच, जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बेटा, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है, तो याद रखना है साइटोसिन, थायमिन, एडिनिन, ये तीनों डीएनए में पाया जाता है। यूरासिल है जो बेटा, यूरासिल जो होता है आपके आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो आप आंसर याद रखना है यूरासिल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, तो यूरासिल इज नॉट फाउंड इन डीएनए बिकॉज इट्स फाउंड इन द आरएनए, किसमें पाया जाता है वो, आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे हिंदी में लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा आधार डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो यूरासिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ पेंटा पेप्टाइड, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ पेंटा पेप्टाइड, कौन सा, कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं जो आपके पेंटा पेप्टाइड में पाए जाएंगे। अच्छा एक बात बताना, ये सब आप लोगों ने 11th 12th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, यहाँ सीख लो, नहीं पढ़े हो तो भी कोई बात नहीं, यहाँ सीख लो, लिखा हुआ है। इस बात को याद रखना कि अगर आपसे पेप्टाइड बॉन्ड पूछता है, कह रहा है कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे पेंटा पेप्टाइड में, अगर पांच कार्बन की चेन है बेटा तो चार पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाएंगे, मतलब कि जितने कार्बन की चेन होगी उससे एक कम, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जो आपका कार्बन और मतलब सी डबल बॉन्ड और एनएच के बीच में जो बॉन्ड बनता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और एनएच एमीन के बीच में जो आपका क्या होता है, सी डबल बॉन्ड और एनएच के बीच का जो बॉन्ड होता है वही आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा एक बात बताना, अगर मान लो यहाँ पे पांच है, वन टू पेंटा पेप्टाइड की बात किया, अगर हमसे बात करा पेंटा, मतलब कि पांच कार्बन का क्या होगा या फिर पांच बॉन्ड वहां पे पाए जाएंगे, पांच बॉन्ड में पूछा जाएगा अगर आपसे कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो पांच बॉन्ड्स यहाँ पे पेंटा की बात कर रहा है, तो पेंटा में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, सिर्फ चार होंगे। अगर आपसे कहता कि बताइए हेक्सा पेप्टाइड बॉन्ड है, हेक्सा पेप्टाइड है और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, तो पांच होंगे, कितने होंगे पांच, मतलब जितना आपसे बात करेगा उससे कम को लिखना, समझ में आया। कह रहा हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ पेंटा पेप्टाइड, पेंटा पेप्टाइड में कितने होंगे, तो चार होंगे। कहता है हेक्सा पेप्टाइड में कितने हैं, तो पांच हैं। कहता है कि टेट्रा पेप्टाइड में तो तीन हैं, और कहता है कि ट्राई पेप्टाइड में तो दो हैं, मतलब कि जितने में पूछेगा उससे एक कम लिख देना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर।
अब आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका द अमाइनो एसिड विच डज नॉट कंटेन अ कायरल सेंटर, बताइए। ये भी बहुत आसान है, कह रहा है कि ऐसा अमाइनो एसिड बताइए जो आपका कायरल सेंटर कंटेन कंटेन नहीं करता है। कह रहा अमाइनो एसिड विच डज नॉट कंटेन अ कायरल सेंटर, अमाइनो एसिड जो आपका कायरल सेंटर कंटेन नहीं करता है वो आपको याद रखना है ग्लाइसिन। कौन है? ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन में बेटा क्या होता है, कोई कायरल कार्बन नहीं होता है, कोई कायरल सेंटर नहीं होता। क्या होता है कायरल सेंटर? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कायरल सेंटर क्या होता है तो क्या बताएंगे? हमने आपको कल भी बताया था कि कायरल सेंटर वो होता है अगर जिनकी जैसे मान लो बेटा कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार होती है। ठीक है, सॉरी इधर आओ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार होती है। अब यहाँ पे पहली बात तो आप क्या करें, ये आपको दिख रहा है कलर, देखो कार्बन की वैलेंसी चार होती है। जब उसकी चारों की चारों वैलेंसी क्या होती है, अलग अलग बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो वो आपके क्या होती है, कायरल सेंटर होते हैं। लेकिन अगर अगर सेम से जुड़ा रहेगा तो वो क्या होगा, कायरल सेंटर नहीं होगा, एक कायरल हो जाएगा। जरा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखना, एच एच एन एच टू सी ओ एच। अब जरा एक बात बताओ, क्या इस कार्बन की चारों के चारों वैलेंसी सेम सेम है, अलग अलग, सॉरी कार्बन की जो चारों वैलेंसी है क्या अलग अलग ग्रुप से जुड़े हैं? तो नहीं जुड़े हैं बेटा। देखो ये वाला तो, ये तो बिल्कुल जुड़ा है, एक NH2, एक NH2 से जुड़ गया है, दूसरा आपका COH से जुड़ गया है। लेकिन ये जो इनकी दोनों वैलेंसी है, इस वाले कार्बन की वैलेंसी इस हाइड्रोजन से, इस वाले कार्बन की वैलेंसी इस हाइड्रोजन से, मतलब कि ये जो कार्बन है इसकी दो वैलेंसी सेम एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। और किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए इस कार्बन कार्बन का जो एक बॉन्ड है NH2 से है, दूसरा बॉन्ड COH से है, लेकिन कार्बन का तीसरा और चौथा बॉन्ड तो सेम एटम से जुड़ा हुआ है, और वो कौन सा एटम है? हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक कायरल होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये क्या हो जाएगा, आपका एक कायरल हो जाएगा। तो आपको ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि पूछता है कि कौन सा अमाइनो एसिड है जो कायरल सेंटर कंटेन नहीं करता है, तो ग्लाइसिन आपका क्या करता है, कायरल सेंटर कंटेन नहीं करता है। अगर आपका यही ऐसे में मान लीजिए कुछ रहता, NH2 COOH H COOH, अब देखो जरा इस कार्बन का, ये कार्बन का एक जो वैलेंसी है OH से जुड़ा है, कार्बन की दूसरी वैलेंसी NH2 से जुड़ी है, तीसरी वैलेंसी COOH से जुड़ी हुई है, और चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है। मतलब कि इस कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, कायरल हो जाता है, ये आपका कायरल हो जाता है। लेकिन ग्लाइसिन आपका कायरल नहीं है, क्योंकि इसके दो बॉन्ड क्या है, सेम एटम से जुड़े हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर नहीं होगा, मतलब कि ये आपका एक कायरल है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा ऑन हीटिंग अमाइनो एसिड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, याद रखेंगे कि जब अल्फा अमाइनो एसिड को हीट करते हैं तो साइक्लिक डाइएमाइड फॉर्म्ड होता है। क्या फॉर्म्ड होता है? साइक्लिक डाइएमाइड फॉर्म होता है। ऐसा आपको याद रखना है कि जब आपका गामा अमाइनो एसिड को हीट करते हैं, ऑन हीटिंग गामा अमाइनो एसिड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज लैक्टम। क्या फॉर्म्ड होता है बेटा? लैक्टम फॉर्म्ड होता है। फिर आप चलेंगे, एल्बुमिन इज विच टाइप ऑफ प्रोटीन। कह रहा है कि एल्बुमिन, जो एल्बुमिन हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है, वो किस तरह का प्रोटीन है? सिंपल प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, डेराइव प्रोटीन है, या फिर आपका ग्लाइको प्रोटीन है? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एक तरह का सिंपल प्रोटीन है। Which of the following contains prosthetic group? कह रहा है कि कौन सा इनमें prosthetic group है? तो बेटा nucleoprotein में भी prosthetic group होता है, याद रखना है आपको, glycoprotein में भी होता है, और hemoglobin में तो होता ही होता है prosthetic group. तो which of the following contains prosthetic group? All of these, nucleoprotein, glycoprotein and hemoglobin, ये सब के सब क्या करते हैं, prosthetic group को contain करते हैं। अब कह रहा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंटेन्स विच टाइप ऑफ बॉन्ड। कह रहा है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, वो किस तरह का बॉन्ड आपका कंटेन करता है? तो जरा बताइए एक बार कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कंटेन विच टाइप ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या फिर ओनली वैन डेर बनाता है? क्वेश्चन आपका, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंटेन्स विच टाइप ऑफ बॉन्ड।
अब आपको बताना है कि जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह के बॉन्ड कंटेन करता है। पहली बात तो जो हमारे अमीन्स या जो प्रोटीन्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड को कंटेन करते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेता है पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा क्या वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या फिर वैन डेर वाल फोर्स बनाता है, या फिर ऑल ऑफ दिस, तो आप आंसर टिक करेंगे ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि जो आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि आपका क्या होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, इसमें किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो कह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड तो बनता ही है, साथ ही साथ ये कैसे होते हैं इनमें क्या होता है, ओनली कोवेलेंट होता है, ठीक है। अब कह रहा है अगले क्वेश्चन पे आइए चलते हैं। कह रहा ओनली कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कह रहा ओनली कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कह रहा कि प्रोटीन के किस स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों ही पाए जाते हैं। तो बताइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राइमरी में क्या होता है, कोवेलेंट होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकेंडरी। इतना गलती दिया रहता है इसमें तो पागल हो गई मैं। ओनली कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओनली कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और सेकेंडरी इन, सॉरी क्यों हो नहीं रहा है, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट और नॉट। क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कोवेलेंट बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोनों ही पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगी, बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दोनों में से कोई आंसर नहीं। हेलिक्स स्ट्रक्चर इज प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी होगा ये तो, एक मिनट मैं सब चेक कर लूँ। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंटेन्स विच टाइप ऑफ फोर्स? From the non-polar amino acid have formed the non-polar acid of the protein. ये भी गलत है। What are enzymes? Proteins that catalyze chemical reaction are called enzyme. आइए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन है। कह रहा है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, सॉरी अ हेलिक्स स्ट्रक्चर इज, कह रहा है कि जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो किस में पाया जाता है, क्या वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पाया जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पाया जाता है, या फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पाया जाता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि हो क्यों नहीं रहा है,
जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है। जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो उसमें क्या होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट पाए जाते हैं। जिनको इंग्लिश में दिक्कत आ रही हो, हिंदी में भी लिखा हुआ है, हेलिक्स संरचना है, माध्यमिक संरचना है, आप इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा आपका क्वेश्चन है अगला, कह रहा है डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन टेक्स प्लेस बाय, कह रहा है कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन किसकी वजह से हो सकता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन किसकी वजह से हो सकता है। तो पहला आपका ऑप्शन है हीटिंग, दूसरा आपका एडिशन ऑफ द एसिड और बेस या एडिशन ऑफ द यूरिया। सोचिए जरा एक बार, दिख तो रहा है ना क्लियर, सोचिए जरा एक बार बताइए। कह रहा है प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन होता है बेटा, याद रखेंगे, ये जो होता है ऑल ऑफ दीज, इन सब की वजह से हो सकता है, हीटिंग की वजह से, एसिड और बेस के एडिशन की वजह से, या फिर यूरिया के एडिशन की वजह से। क्वेश्चन है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉज्ड बाय, फिर आपका वही क्वेश्चन है, हाँ देखिए, चेंजिंग द पीएच, एडिशन ऑफ यूरिया, एडिशन ऑफ डिटर्जेंट, आप इस पे लगा लेंगे ऑल ऑफ दीज। कह रहा है कि व्हाट आर एंजाइम, सैकेराइड्स डैट कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लिक एसिड डैट कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन, डीएनए मॉलिक्यूल डैट कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन, या फिर प्रोटीन डैट कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एंजाइम क्या होते हैं, वो एंजाइम वो होते हैं जिसमें प्रोटीन केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। कह रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इज न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, बताइए। कह रहा है कि ग्लाइसिन, क्वेश्चन आपका, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इज न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन की वजह से ग्लाइसिन का एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, तो आपको पता होना चाहिए ज्विटर आयन के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, ग्लाइसिन का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। मिनिमम नंबर ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द ऑलिगोपेप्टाइड, कह रहा है कि ऑलिगोपेप्टाइड में कितने मिनिमम नंबर ऑफ अमीनो एसिड हो सकते हैं, तो दो, कितने हो सकते हैं, दो मिनिमम नंबर ऑफ अमीनो एसिड हो सकते हैं। मॉलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन का मॉलिकुलर मास कितना होता है, तो आप सबको पता होता होना चाहिए कि मोर देन 10,000, प्रोटीन का जो मॉलिकुलर मास होता है वो 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो कह रहा है कि 10,000 से ज्यादा होगा। फाइब्रस प्रोटीन्स और इनसॉल्युबल इन, कह रहा है फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, बताइए। कह रहा है कि फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन, तो आपको याद रखना है कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, किसमें होते हैं, फाइब्रस जो आपके प्रोटीन होते हैं, आपको याद रखना है कि जो आपके फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं आपके वाटर में, किसमें होते हैं, वाटर में। ठीक है, हो गया। अब आगे आइए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन इनमें से कौन सा है, देखा ऑप्शन दिया है केराटिन, मायोसिन, इंसुलिन, केराटिन एज वेल एज मायोसिन, तो बताइए। कह रहा है कि इनमें से फाइब्रस प्रोटीन कौन सा है, तो बेटा आपको याद रखना है कि इनमें से जो फाइब्रस प्रोटीन होता है आपका, एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट बेटा रुकिए। कहाँ गया यार, हाँ क्वेश्चन आपका था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन सा आपका है जो फाइब्रस प्रोटीन कंटेन करता है। कह रहा है केराटिन, मायोसिन, इंसुलिन, या फिर केराटिन एज वेल एज मायोसिन। आपने कभी पढ़ा है इसको, आपने कभी इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ाओ तो बताइए। सोचो एक बार, नहीं पढ़े हो तो सोचो भाई, ऐसे थोड़ी होता है, शांत बैठ जाना होता है।
याद रखना क्या होता है आपका, किरेटिन एज वेल एज मायोसिन, किरेटिन एज वेल एज मायोसिन। क्या रविश ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस प्रोटीन, तो किरेटिन एज वेल एज मायोसिन जो आपका क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके अलावा आ जाओ, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन और मायोसिन। तो बताइए इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, मायोसिन, तो आपको याद रखना है ए एन बी आपका क्या होता है, ए एन बी आपके तुम्हारे आपकी ये सब जो आपका हीमोग्लोबिन और इंसुलिन होता है वो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है। ठीक है, एल्बुमिन इज विच टाइप ऑफ प्रोटीन, एल्बुमिन किस प्रकार का प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, डेराइव प्रोटीन है या फिर ग्लाइको प्रोटीन है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा एल्बुमिन होता है वो सिंपल टाइप का प्रोटीन होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स प्रोस्थेटिक ग्रुप, न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ऑल ऑफ दिस। ये तो शायद भाई वाला रिपीट वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो अभी हम लोग किए थे ना, ऑल ऑफ दिस। ये सब के सब आपके क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, जो ये सब के सब आपके क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप को कंटेन करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंटेन्स विच टाइप ऑफ बॉन्ड, बताइए अभी तो हम लोग पढ़े थे भाई, ये क्वेश्चन दोबारा कैसे आ रहा है, ऑनली कोवेलेंट कि प्रोटीन, हाँ प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में केवल कोवेलेंट होता है, फिर ऑनली कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके सेकेंडरी में होते हैं। अभी हम लोगों ने इसको किया था बेटा, इस चीज़ को मैं आगे कर रही हूँ। द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन आज कहाँ, इसको बताइए, यहाँ से नए क्वेश्चन आपके, कह रहा है जो लीनियर अरेंजमेंट होता है अमाइनो एसिड का, कह रहा है द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, कह रहा है लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन्स इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, क्या होता है बताइए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जो बिल्कुल लीनियर होता है वो आपका क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। तो आपको याद रखना है आपका क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल आपका लीनियर होता है। द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम इज, कह रहा है कि लिविंग सिस्टम में एंजाइम का क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, क्या आपका एंजाइम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, बेटा नहीं ना, हीमोग्लोबिन मेनली आपके ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन। कह रहा है प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है ना, बहुत सारे ऑलरेडी हमारे बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन, ऐसा नहीं है बहुत सारे होते हैं जो प्रोटीन वो भी हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते होंगे, लेकिन जो है यहाँ पे जो मेन फंक्शन है इसका, कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, क्या काम होता है उसका, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज, बेटा एंजाइम, जैसे कि आपका जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में क्या होता है, 30% स्टार्च का क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है, क्यों, क्योंकि एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स की वजह से ही। फिर हमारा क्या होता है, हमारा जो खाने का डाइजेशन होता है वो कैसे हो जाता है, बहुत सारे क्या होते हैं डाइजेशन हमारे स्टमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, सब में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो जो मेन फंक्शन होता है जो एंजाइम का वो होता है कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करना काम होता है। अमाइनो एसिड आर द डेरिवेटिव ऑफ, ये बात आपको याद रखना है, क्या पता ये बहुत मुझे इंपॉर्टेंट भी लगा। कह रहा है कि अमाइनो एसिड किसके डेरिवेटिव होते हैं आपको बताना है, कह रहा है अमाइनो एसिड्स और द डेरिवेटिव ऑफ, अमाइनो एसिड जो होते हैं किसके डेरिवेटिव हो सकते हैं, जरा बताइए एक बार। अरे भाई कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, आप यहाँ पर टिक लगा लो, कार्बोक्जिलिक एसिड। कह रहा है जो अमाइनो एसिड होते हैं बेटे वो क्या होते हैं आपके, कार्बोक्जिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, हो गया, अब आ गया ये। इसके अलावा कह रहा है प्रोटीन इज ए पॉलीमर, आप बताइए अमाइनो एसिड, अल्फा डी अमाइनो एसिड, अल्फा एल अमाइनो एसिड या बीटा अमाइनो एसिड। तो आप इसको याद रखेंगे कि जो प्रोटीन होता है बेटा पॉलीमर, अमाइनो एसिड का तो पॉलीमर होता है, लेकिन इसमें भी किसका होता है, तो एल अमाइनो एसिड का होता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमाइनो एसिड, कौन सा आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, बेटा कई तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनमें से भी आपको याद रखना है कि कौन सा जो है एसेंशियल होता है, कौन सा नॉन एसेंशियल होता है। तो आपको याद रखना है कि वैलिन, थ्रियोनिन एंड लाइसिन, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, क्या होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। कौन कौन से, वैलिन, थ्रियोनिन एंड लाइसिन, ये तीनों के तीनों आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं।
विच ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड डजंट कंटेन प्राइमरी अमाइनो ग्रुप प्रोलीन हो जाएगा. अमाइनो एसिड मे बी, कह रहा है कि अमाइनो एसिड कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रल हो सकता है, बेसिक मीडियम में भी हो सकता है अगर आप COH क्या करते हैं NH2 NH ग्रुप बढ़ा देते हैं, एसिडिक हो सकता है अगर आप एसिडिक ग्रुप उसको बढ़ा देते हैं तब. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिस्ट डाइपोलर आयन, तो कौन सा जो है डाइपोलर आयन में प्रेजेंट होगा, तो अमाइनो एसिड, क्योंकि क्या होता है उसमें COH NH2 है, फाइनली वो क्या करेगा ज्यूटर आयन फॉर्म कर देगा और क्या करेगा वो डाइपोलर आयन को फॉर्म करेगा. अब कह रहा है पेप्टाइड लिंकेज बताइए, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका एक तरह से, बताइए पेप्टाइड लिंकेज किस में पाया जाता है, जरा देखिए और मुझे बताइए. कह रहा है कि पेप्टाइड लिंकेज किस में पाया जाता है, पेप्टाइड लिंकेज किस में पाया जाता है, क्या सी डबल बॉन्ड ओ वाले में पाया जाता है, जरा देखना बेटा, याद रखना कई तरह से आपको फंसाएगा. जैसे आपको दिया है सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, फिर आपका दिया हुआ है तीसरा देख लीजिए, दिया हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ NH2, चौथा दिया है सी डबल बॉन्ड ओ NH, ठीक है, जो आपको दिया हुआ है. अब आपको यहाँ पे आप याद रखना है कि इनमें से ऐसा कौन है जो आपको पेप्टाइड बॉन्ड देगा, तो बेटा ये वाला जो आपका है सी डबल बॉन्ड ओ NH, क्या सी डबल बॉन्ड ओ NH, मतलब कि ये इनके बीच का जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो हमारा क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है. तो आई थिंक आपके जो है टोटल 25 से 30 क्वेश्चन हुए हैं. अब देखिए अब आप क्या करिएगा कि आई थिंक ये ज़्यादा नहीं 26 से 28 मतलब 27-28 मिनट का ये आपका वीडियो है, इसमें मैंने 30 या 35 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया. अब आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आप आराम आराम से सुनने वाले हैं तो आराम से सुनिए, अदरवाइज क्या करिए आप स्पीड बढ़ाइए और फटाफट क्या करिए 15 मिनट के अंदर इतने सारे चैप्टर इतने सारे क्वेश्चन क्या करिए आप रिवाइज कर डालिए. तो 15 मिनट के अंदर आपका कम से कम 30 से 35 मिनट क्या कर रहे हैं आप क्वेश्चन को, 30 से 35 क्वेश्चन आप रिवाइज कर रहे हैं. और इसी तरह से क्या करने के लिए और भी सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है टारगेट गुरुकुल ऐप पर जाएँ और वहाँ पर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा सारथी बैच है उसको ज्वाइन करिए और बहुत सारे, क्योंकि मैं वहाँ पे और भी सारे क्या करूँगी आपको क्वेश्चन शेयर करती रहूँगी, आप उसको ट्राई करते रहेंगे, नहीं आएगा तो आप डाउट पूछिएगा मैं उसका आंसर करूँगी, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.